दोस्तों, आखिर भारत ने इतिहास रच ही दिया। इसरो के चंद्रयान ने कर ली है सफल लैंडिंग। बन गया भारत चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला चौथा और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश। दोस्तों, इस दिन का इंतजार हम पूरे भारतवासियों को था। हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का फल आज हमें मिल ही गया। आज हर भारतवासी के लिए ये गर्व का दिन है। आज पूरे भारतवासियों का सर पूरी दुनिया में ऊंचा हो गया है और ये सब मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बदौलत। तो दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, साथ ही कमेंट बॉक्स में लव यू इसरो जरूर लिख, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि हम अपने इसरो को कितना प्यार करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये छोटा सा काम जरूर करेंगे, क्योंकि आज कंजूसी दिखाने का वक्त नहीं है दोस्तों, आज गर्व और खुशियां दिखाने का वक्त है। खैर, आइए मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने बेंगलुरु स्थित श्री हरिकोटा स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी थी। इस मिशन का मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करना और वहां रिसर्च करना था। आपको बता दें कि भारत ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था, लेकिन यह मिशन सफल नहीं हो पाया था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन में डिजाइन से लेकर असेंबली तक का बदलाव किया ताकि मिशन सफल रहे, और ऐसा हुआ भी। चंद्रयान 3 अपने मकसद को पूरा करने में खरा उतर गया है। आपको बता दें कि लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 मिशन पर पूरे देश की निगाहें तो टिकी हुई ही थी, साथ ही साथ दुनिया भी इस मिशन पर नजरें गड़ाए बैठी थी। यहां तक कि अमेरिका ने भी कहा कि उसके लिए भारत का मून मिशन बहुत जरूरी है। व्हाइट हाउस से बाइडेन ने भारत को शुभकामनाएं देते हुए कहा, चंद्रयान 3 मिशन का डेटा आर्टेमिस मिशन के लिए कारगर साबित होने वाला है। आर्टेमिस मिशन के जरिए अमेरिका एक बार फिर से एस्ट्रोनॉट को चांद के उसी जगह पर भेजने वाला है जहां पर हमारे चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया है, यानी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। आपको बता दें कि हमारे महान वैज्ञानिकों ने मिशन की शुरुआत जनवरी 2020 में ही कर दी थी। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन और असेंबली पर काफ़ी मेहनत से काम किया है। पिछले मिशन की गड़बड़ियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 और लैंडर के लेग्स में कई बड़े बदलाव किए गए। चंद्रयान 3 पर बदलाव करने के बाद हमारे वैज्ञानिकों को पूरा यकीन हो गया था कि वो इस बार कामयाब हो ही जाएंगे, और ये भारत के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज करके दिखाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। ठीक अभी अभी की बात है कि हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी हासिल कर ली। इसी के साथ दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। दुनिया का पहला देश है ना दोस्तों, ये हमारे लिए गर्व की बात। अब कुछ ही मिनटों के बाद इसमें से प्रज्ञान रोवर निकलने वाला है, यानी 15 मिनट बाद से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साउथ पोल पर रिसर्च करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले विक्रम लैंडर खुलेगा और प्रज्ञान रोवर के लिए रैंप बनाएगा। 6 पहिए वाले प्रज्ञान पर भारत का तिरंगा और इसरो का लोगो छपा हुआ है। उतरते समय रोवर की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की होगी। सबसे पहले प्रज्ञान अपने नेविगेशन कैमरा के जरिए आसपास का माहौल और आसपास के एनवायरनमेंट को भांपना शुरू कर देगा। चहलकदमी करते हुए प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर तिरंगे और इसरो के लोगो की छाप छोड़ता चलेगा। रोवर के पेलोड्स में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो चांद से जुड़ा डेटा भेजेंगे। ये चांद के वातावरण से जुड़ी जानकारियां लैंडर को भेजेंगे। इसरो ने लैंडर विक्रम में 4 पेलोड लगाए हैं। पहला पेलोड रेडियो एटमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, यानी RAMBHA है। ये चांद पर समय के साथ लोकल गैस और प्लाज्मा इन्वायरमेंट जैसे बदलाव पर स्टडी करेगा। दूसरा पेलोड है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी CHASTE। ये चांद के सतह के थर्मल प्रॉपर्टीज पर रिसर्च करेगा। तीसरा पेलोड है ILSA, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये लैंडिंग स्थल पर चांद की सतह, क्रस्ट और मेंटल के बारे में पता लगाने के लिए भूकंप को मापेगा। चौथा पेलोड है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, यानी LRA। ये नासा द्वारा बनाया गया रेट्रो रिफ्लेक्टर है जो चांद पर लेजर को छोड़कर चांद की अध्ययन करेगा। लेजर रेंजिंग एक रिफ्लेक्टर को लेजर से जैप करने और सिग्नल को वापस उछालने में लगने वाले समय को मापने की प्रक्रिया है। नासा इसका इस्तेमाल आर्टेमिस 3 मिशन में करने वाला है।
यानी इसरो नासा की तरफ से इसका टेस्ट कर रहा है। वहीं रोवर में दो पेलोड लगाए गए हैं। पहला लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, यह चांद की सतह की रासायनिक और खनिज संरचना का पता लगाएगा। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS, जो सतह की मैपिंग संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर का काम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और लोहे का पता लगाना है। ये चांद की सतह के अंदर कितने मात्रा में मौजूद है इसका भी पता लगाएगा। 14 दिनों तक लगातार रिसर्च करने के बाद प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम का संपर्क इसरो से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। दरअसल आज से चांद पर 14 दिन के लिए दिन शुरू हो गया है और इन 14 दिनों के बाद यहाँ पर अगले 14 दिनों के लिए सूरज की रोशनी नहीं पहुँचने वाली है, जिस वजह से लैंडर और रोवर अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर पाएंगे। साथ ही यहाँ का तापमान -268 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो यह अपने आप को लगाए गए पेलोड्स को गर्म नहीं कर पाएगा, जिस वजह से यह पूरी तरह काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर यह थोड़ी सी बैटरी अपने अंदर बचा लेता है और 14 दिन तक -268 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सह लेता है तो यह तय समय से ज़्यादा दिनों तक रिसर्च करेगा। लेकिन इसरो ने रिसर्च करने के लिए साउथ पोल को ही क्यों चुना है, इसका जवाब भी हम आपको दे ही देते हैं दोस्तों। दरअसल चांद का दक्षिणी ध्रुव अरबों सालों से अंधेरे में घिरा हुआ है। इस इलाके में सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है और चांद का इलाका कहीं कहीं तो ऐसा भी है जहां पर सूरज की रोशनी अरबों सालों से नहीं पहुंच पाई है, जिस वजह से यहां का तापमान काफ़ी कम रहता है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि चांद का ये इलाका यानी साउथ पोल हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण समेत कई रहस्यों को अपने भीतर समाये बैठा है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में लंबे समय से जमी बर्फ के कारण यहाँ पानी और अन्य खनिज होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ऐसा सच में है तो भविष्य में इससे चांद पर मानव कॉलोनियां और स्पेस लॉन्चिंग पैड बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी कम होने की वजह से यहाँ से स्पेस मिशन को अंजाम देना काफ़ी सस्ता हो जाएगा और यहाँ से मार्स और टाइटन जैसे कई ग्रहों और उपग्रहों में इंसानों को भेजा जाएगा। ऐसे में अंतरिक्ष यान के ईंधन के लिए हाइड्रोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाने में जमे बर्फ से हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। यही वजह है कि अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है कि चंद्रयान 3 का डेटा उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है और हमें भी ये उम्मीद है कि चंद्रयान 3 इन बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने में कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इसरो की इस इतिहास रच देने वाली कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी इस कामयाबी के बारे में, इसरो की इस कामयाबी के बारे में दोस्तों पूरी दुनिया जान सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।